और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हो रहा है। इस पूरे हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी देखिए सामने आ रहा है निकलकर। हत्याकांड में दो शूटर जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक शूटर उत्तर प्रदेश का ही है, धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का रहने वाला है, दूसरा शूटर हरियाणा का है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक चार शूटर इस हत्याकांड में शामिल थे। मुंबई में एनसीबी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर आपको इसमें एक बड़ा अपडेट ये है कि दो जो हत्यारे पकड़े गए हैं उनमें एक हत्यारा उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है जबकि दूसरा हरियाणा का है। तो देखिए, अब आप कह सकते हैं इस हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी शामिल हो गया है क्योंकि एक हत्यारा उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है जो इस समय पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दो हत्यारे पुलिस ने पकड़े हैं जबकि तीन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के बिल्कुल सामने से उनके ऊपर गोलियां बरसाई हैं। तीन गोली जो कि सीने पर लगी हैं बाबा सिद्दीकी के, और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। हालांकि उनको अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित करा है। पूरे महाराष्ट्र में इस समय इस हत्याकांड के बाद खलबली मच रखी है। पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है जो इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। देर रात आपने देखा किस तरह से लगातार जिशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं उनके साथ संजय दत्त अस्पताल में बने रहे। सलमान खान ने ही परिवार से संपर्क साधा क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड में बड़े सितारों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान थी। अक्सर ईद के समय में आपने उनके घर पर सलमान खान को, शाहरुख खान को और तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को पहुंचते हुए देखा है। ऐसे में पूरे बॉलीवुड में भी इस समय शोक की लहर है और इस हत्याकांड पर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, तीसरे शूटर की पहचान कर ली गई है। शिव कुमार बताया जा रहा है तीसरा शूटर और ये भी यूपी का ही रहने वाला है। तो ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, दो शूटर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बहराइच का रहने वाला पहला शूटर और ये दूसरा शूटर जो कि हरियाणा का है, और ये तीसरा शूटर जो पकड़ा गया है ये भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर जो तीन शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। शिव कुमार ये तीसरा शूटर है जो पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी तलाश की जा रही थी। हालांकि चार लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, चौथे की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल जिन तीन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के सीने पर गोली चलाई है बहुत ही नजदीक से, उनमें तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच से मेरे सहयोगी अखिलेश और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। सीधे रुक करेंगे बहराइच, जहां से अखिलेश और जानकारी देंगे। अखिलेश, ये एक बहुत बड़ा अपडेट आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी को तीन हमलावरों ने, हत्यारों ने जो बिल्कुल नजदीक से गोली मारी है, जिनमें तीसरा शूटर अब जो पकड़ा गया है वो भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, यानी कि तीन में दो शूटर उत्तर प्रदेश के हैं। देखिए, बहराइच में, बहराइच से बड़ी खबर है और यूपी की भी बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या महाराष्ट्र में हुई है, अभी तक सभी चैनलों ने बताया है कि यूपी का कनेक्शन था, लेकिन ये न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड सबसे पहले बता रहा है कि बहराइच का कनेक्शन है, यूपी के बहराइच से, और कैसरगंज का गंडारा गांव है, वहां के रहने वाले दो लोग हैं, धर्मराज कश्यप और शिवा कश्यप, शिवा गौतम। तो ये दो, वहां जो हत्याकांड हुआ सिद्दीकी बाबा का, उसमें जो दो शूटर पकड़े गए थे पहले, उसमें धर्मराज कश्यप का नाम था और हरियाणा का शूटर था, लेकिन जो पूछताछ में पुलिस के कबूला है, धर्मराज ने वो शिवा का नाम भी कबूला है, वो भी बहराइच के गंडारा का रहने वाला है, उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव के धर्मराज रहते थे। मैं इसमें ग्राउंड जीरो पर हूं, आप दिखा, मतलब धर्मराज और शिव कुमार, अखिलेश, धर्मराज और शिव कुमार ये दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं और आप इस समय शूटर धर्मराज के घर के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप घर के अगर किसी सदस्य से बात कर सकें तो उनसे बात भी करिए, इस जगह की तस्वीरें दिखाइए। साथ ही जब घर वालों को पता लगा है कि उनके घर का लड़का महाराष्ट्र में जाके बाबा सिद्दीकी का हत्यारा बन गया है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है?
देखिए, घर वालों को पता ही ना था कि ऐसे ऐसा कांड उन्होंने किया है। शिवा गौतम पिछले 6 सालों से महाराष्ट्र के पुणे में जो कबाड़ का काम है वो करता, खरीदने का काम करता था, और जो धर्मराज कश्यप है वो 2 महीना पहले मुंबई गया था, दोनों साथ में रह रहे थे। अब ये वहां कैसे कनेक्शन लोगों से हुआ, किस गैंग से हुआ, तो जांच का विषय है। मैं इसमें ग्राउंड जीरो पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये धर्मराज कश्यप का घर है और धर्मराज कश्यप की माँ जो है वो यहाँ बैठी हुई है। हम उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कैसे उनको जानकारी हुई, क्या धनराज भी पहले कहीं ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है। क्या नाम था आपका? कुसुमा उषमा जी, सूचना मिली आपको कुछ? हमका नहीं मिला साहब, हम ना मोबाइल में जान पाई ना हम का हम जान पाई, तो हम का जानी हम का बताई। तो धनराज कब गए थे यहां से? हाँ 2 महीना हो गए कबाड़ के काम करे, पूना गए रहे पूना हैं, गए लोग, पूना यहाँ ना आए रहे दिल्ली में, पता नहीं कैसे। अब हम कब बाबू कैसे कही कि गए। कहाँ हो तुम, कहूँ कब महीना कांड पर बात हुआ रहा तो कहाँ है हम पूना में ही ना। अब तो जो आपको दुकान जानकारी है कि सिद्दीकी बाबा एक जो नेता है एनसीपी की, उनकी हत्या हुई गोली मारकर कल रात में, तो उनका नाम आया है धनराज का, उन्होंने गोली चलाई है, वो गिरफ्तार भी हुए हैं। और पूछताछ में ये भी आया कि आपके यहीं के गांव के जो शिवा गौतम है उनका भी नाम उन्होंने कबूला है, तो इसके बारे में कोई जानकारी पहले से थी क्या, कोई कुछ आपराधिक इतिहास इनका रहा? नहीं, कुछ पहली बार गवाह है वो, बाहर कभी गवाही पहली नहीं बार की भी है। सर। लेकिन इनके परिजनों को भी नहीं पता है, और शिवा गौतम के जो पिताजी हैं वो भी यहीं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि क्या स्थिति रही है इधर की। क्या नाम आपका? बालकृष्ण गौतम बालकृष्ण जी, आपको भी पता है कि जो हत्याकांड हुआ है उसमें नाम आ रहा है शिवा का? जी, अभी पता चला, 8 बजे पता चला, जब न्यूज लोग देख के बताएंगे। बताया जा रहा है कि पुलिस भी इंटरटेन की थी आप लोग को, पूछताछ की उससे, आप उस संबंधी, उस हत्याकांड के संबंधी में? आज ही मैं चौकी पे गया था सुबह, जो 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 था वो बताया हूँ। हाँ तो ये शिवा कब से काम कर रहा था वहां पुणे में? जी, आता जाता रहता, जो 5-5 साल हो गए जाता आता रहता है, लेकिन ये पहली बार ये वैसा हुआ। हाँ यहाँ पे कोई घटना है या फिर कोई क्राइम हिस्ट्री है क्या, यहाँ पे कोई घटना घटित हुई थी, ऐसा कुछ काम, लड़ाई मारपीट ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये अभी बच्चे हैं जी, अभी इनको बहकाया गया है, किसने बहकाया कुछ जानकारी? ये कुछ नहीं मालूम है जी। जैसे आप होते समय यहाँ रह रहा हूँ, या तो बात भी नहीं कर रहे हैं लोग। कभी शिवा से बात हुई, कभी कोई संबंधी, पैसा संबंधी की पिताजी हैं ऐसे मिला है, कुछ कुछ ऐसी बात हुई थी क्या नहीं पहले? जी, ऐसे कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं। देखिए गंजन जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो परिजन हैं इनको कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर शिवा गौतम की बात करें तो शिवा गौतम पिछले 6 सालों से मुंबई के पुणे में कबाड़ खरीदने का काम करता था, और ये जो एक अखिलेश, लेकिन धनराज कश्यप एक सवाल जो ये भी है पुलिस की कि अभिलेखा पिताजी जो में कह है, रहे हैं कि बच्चे इनको बहकाया गया है, पुणे तो गया एक है, बार इनकी पुणे उम्र गया हुआ था, बताइए, पहली बार इनका धर्मराज गया की उम्र है। कितनी है, शिव कुमार की उम्र कितनी है, कि 18 साल से कम इनकी उम्र है जो किसी के बहकावे में आकर किसी की हत्या ही कर देते हैं। देखिए धर्मराज की उम्र की बात करें तो उसे 19 साल है, शिवा की कितनी उम्र थी? लमसम 18-19 इसकी भी होगी लमसम। 18-19 साल। नहीं उनका आधार कार्ड है आपके पास? जी, साथ में है उसके पास। देखिए ये दोनों की उम्र तकरीबन 19 साल के आसपास, 18-19 के आसपास, ये नव युवक ही थे, और ये दोनों पुणे के, मुंबई के पुणे में ये कबाड़ खरीदने का काम करते थे, और परिजनों को भी नहीं पता था। परिजनों को आज जब पुलिस इनको इंटरटेन की ठीक है है, अखिलेश, आप इनसे ये भी पूछताछ पूछ की है, सकते हैं उसके कि बाद उत्तर इनको, प्रदेश इनके की परिजनों को पुलिस इन तक जानकारी हुई पहुंची है। है या पुलिस ने इन तक अब तक कोई संपर्क साधा है पूछताछ के लिए? हाँ, पुलिस ने इनको सुबह ही इंटरटेन किया था, सुबह अपने साथ चौकी ले गई थी, पूछताछ की है कि क्या कोई आपराधिक इतिहास है, लेकिन इन दोनों बच्चों का यहाँ पे कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनके परिजनों को भी नहीं पता था इससे पहले, पुलिस बताई है तब इनको पता चला है। हाँ, धनराज के जो भाई है वो मुहर्रम के दौरान में कुछ यहाँ आपसी झगड़ा हुआ था, उसमें 151 से पाबंद किया गया था, शायद कोई मुकदमा भी लिखा गया था पासको में, तो ये छुटपुट घटनाएं यहाँ की थी, लेकिन ऐसी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं थी कि इसे इसको जोड़ा जाए। लेकिन ये जब महाराष्ट्र गए वहां कैसे इनका कनेक्शन किस गैंग से हुआ, हालांकि लारेंस बिश्नोई गैंग का इसमें नाम साफ आ रहा है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब कैसे इनका संबंध हुआ ये जांच का विषय है। अभी जांच के बाद ये पूछताछ में, पुलिस की पूछताछ में वो बताएंगे कि कैसे इनका कनेक्शन हुआ और किस क्या कुछ इनके एक साथ बार ये भी डिमांड रखी बताइए गई थी, अखिलेश कैसे कि हुआ? आखिरी बार इन दोनों शूटरों ने कब अपने परिवार वालों से संपर्क साधा है, माँ से बात की है, पिता से बात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या अपने बारे में बताया है? और माता पिता ने भी इस बात की सुध लेने की कोशिश नहीं कि उनका बच्चा जो अभी 18 साल का है वो आखिर किस हालत में है, क्या कर रहा है? जी, उनके परिजन से पूछेंगे, शिवा गौतम के जो पिताजी हैं, ये बताइए कि शिवा से आपकी बात कब हुई थी, आखिरी बार कब बात हुई है? मेरे से लमसम 15-20 दिन हो गई बात हुई थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं बोला था मोबाइल जरा भेज दीजिए, मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल भेजे थे इसीलिए बोले थे जाके पापा मोबाइल ले आओ।
बस इतना बात हुआ था, बाकी कुछ नहीं। मोबाइल किसने भेजा था? लड़के ने भेजा था मुंबई से? नहीं नहीं पुणे से। पुणे किसके माध्यम से भेजा था? वो जो आए हैं हरीश, वो लेके आए थे। अच्छा, मोबाइल लेके आए थे 15 दिन पहले? हाँ 15-20 दिन पहले जो हुआ, इतना नहीं मालूम है कितनी तारीख को आया था। अच्छा, बातचीत क्या हुई बीच में आपके और सिवा के बीच में? बस कोई नहीं बात, इतनी बात हुई कि जाके पापा मोबाइल ले लो, अपना सिम चालू कर लो। हाँ तो शिवा कब से वहां भंगार का काम करते हैं, खरीदने का काम करते हैं? वही वही बताए हो ना, 4-5 साल हो गए, आते जाते रहते हैं। आए कभी 4 महीने रुके, कभी 2 महीने रुके, आए चले गए, आए तो कभी 6 महीना यहाँ रुक गए, कभी साल भर रुक गए, ऐसे आते हैं जाते हैं बस। तो क्या कुछ बताया कि पिताजी वहाँ कहीं नौकरी अच्छी लगी, अच्छा पैसा मिल रहा, कुछ बताया इस पैसे बारे में, कोई बात हुई क्या? ऐसा कोई बात नहीं हुई जी, नहीं हुई। हाँ देखिए, मोबाइल आया था 15 दिन पहले मुंबई से, धर्मराज की माँ है जो पुलिस के अरेस्टिंग में है, गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने किया है, उनकी माँ है, उनसे बात कर लेते कि कब बात हुई थी, कब बात हुई थी धर्मराज से आपकी? आज होगी महीना खान बाद भाई रहा, क्या बात? बात नहीं कर रहे थे तो हम कह रहा कि भैया नीग नीग रहे हो, कायदे से कमायो, या तो चले आओ घरे, तो कहीं ना अम्मा आई बोली ले आई बा, अब हम नहीं जाए इधर, भैया हमारे का करा था इमा? कुछ बात हुई रहे कि बीच में? हाँ बात यह तब है रहा हमसे कि अम्मा हम होली ले आई बा, तो हमका ठीक है चले आयो भैया। धनराज कब गए रहे घर से, कब गए? 2 महीना हो गई गए। हाँ बीच में कोई पैसा वगैरह भेजवाया नहीं भेजवाया? पैसा वैसा हम नाम का ना भेजवाए नहीं, ना हम हमका दी ही नहीं 1 रुपये। धनराज के पिताजी कहाँ है? कहूँ गए रहे आंखी खोलाए तभी लौटिया ना है लखनऊ कहीं। तो पुलिस ने आपको बुलाया था? आए रहा पुलिस तो नाम पूछी ना तो लिखाए दिन ना। हाँ क्या क्या पूछा पुलिस ने? वो पूछे तो रहे कि कई लड़के हैं, तो हम कहा अनुराग है और धर्मराज है, उनके बाप के नाम पूछी ना, तो हम कहे कि ना मतलब 2 लड़के हैं बिटिया है, बिटिया पूछे तो रहा तो उनका बिटिया। तो ये कंचन जी, 1 महीना पहले इनकी बात हुई थी और कहा, इन्होंने कहा भी था, क्योंकि कुल मिला के बात यह है कि परिजनों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन शिवा के पिताजी ने बताया कि एक मोबाइल शिवा ने खरीद के 15 दिन पहले दिया था, मुंबई से कोई लड़का आया था, वो मोबाइल लेके आया था, इनको मोबाइल मिला, उनकी बातचीत हुई, हालचाल ही होता था अक्सर इन लोग के बीच में, लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना उन लोग को ही सीमित थी, कैसे था? अब ये इनकी जब पूछताछ होगी, धर्मराज से पूछताछ होगी, तभी पता चल पाएगा कि क्या अंदर क्या चल रहा था और इन किन गैंग से इनका जुड़ाव था। जी बिल्कुल, अब वो सब जो जानकारियां जुटानी वो महाराष्ट्र की पुलिस जुटाएगी। फिलहाल अखिलेश आपका बहुत शुक्रिया, धर्मराज और शिव कुमार के माता पिता की बातचीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।